बच्चों पार्ट दो की इस दूसरी वीडियो में हम आपको इस पार्ट से संबंधित अभ्यास कार्य के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न के बारे में बताएंगे। तो बच्चों नंबर एक है इसमें, कुलियों की तरह किसे लकड़ियां ढोनी पड़ती थी। कुलियों की तरह किसे लकड़ियां ढोनी पड़ती थी, मोती को, मुरली को, महावत को या नौकर को। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा मोती को। नंबर दो, मोती के साथियों ने उससे मुंह फेर लिया क्योंकि वह गुलाम था, वह अधिक सुंदर था, वह अकेला था, वह भागकर आया था। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा वह भागकर आया था। नंबर तीन, मुरली कैसा बालक था, हिम्मती, डरपोक, लालची या सुंदर। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा मुरली हिम्मती बालक था। अब बच्चों ये तो हुए बहुवैकल्पिक प्रश्न, अब हम आपको रिक्त स्थान समझाएंगे। तो इसमें सबसे पहला रिक्त स्थान क्या है, मोती एक बड़ी डैश की आड़ में छिप गया। तो बताइए इसमें डैश की जगह क्या आएगा बच्चों। चलिए मैं आपको बताती हूँ, डैश की जगह इसमें आएगा चट्टान। मोती एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। नंबर दो, राजा साहब को जान बचाने की कोई डैश ना थी। राजा साहब को जान बचने की कोई डैश नहीं थी, डैश जगह क्या है ये आशा। राजा साहब को जान बचाने की कोई आशा ना थी। नंबर तीन, मुरली ने मोती को पेड़ के डैश से पुकारा। तो बच्चों डैश की जगह क्या आएगा ऊपर, मुरली ने मोती को पेड़ के ऊपर से पुकारा। नंबर चार, मोती ने मुरली को सूंड से उठाकर पहले की तरह अपने डैश पर बिठा लिया। तो डैश ये क्या आएगा मस्तक। नंबर फाइव, मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के डैश पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। तो बच्चों डैश जगह क्या आएगा द्वार। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगलियां दबा ली। तो बच्चों आशा करती हूँ पार्ट दो की इस दूसरी वीडियो और पहली वीडियो के द्वारा आपको पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो आपको गृह कार्य दिया जाएगा उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर पढ़िए, समझिए और याद करिए। धन्यवाद।